बरागटा अब शिमला शहर में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं। चेतन बरागटा ने नगर निगम शिमला में भी अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। शहर के उन वार्डों में चेतन बरागटा अपने उम्मीदवार उतारेंगे जहां ऊपरी क्षेत्र की आबादी ज्यादा है। आज बड़े टाइम से मेरा शिमला का प्रवास पेंडिंग था, आज दूसरा टाइम है जब मैं इलेक्शन के बाद यहाँ पर आया हूँ। यहाँ के जो लोग थे, जो शिमला के हमारे लोग हैं, जो जुब्बलनावर कोटखाई के हैं पर यहाँ शिमला में रहते हैं, तो उन लोगों ने मुझे आदेश दिए थे कि यहाँ पर आना है और एक मीटिंग भी रखनी थी। और मेरा भी एक जिसको बोलते हैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि मैं इन लोगों का धन्यवाद करूं, तो आज मैं इनका धन्यवाद भी करने आया था। और क्योंकि देखिए हम राजनीति में हैं, तो आगे की राजनीति की जो हमारी स्ट्रैटेजी थी, चाहे वो हमारे आने वाले एमसी चुनाव हों 2022 में शिमला के अंदर, और साथ ही साथ जो हमारे 2022 में जो विधानसभा चुनाव आएंगे अक्टूबर में या नवंबर में, उसको लेकर हमने एक यहाँ पे चर्चा करी है। और चर्चा को लेकर हम अब आस्ते आस्ते जो यूट्यूब टीम है हमारी, जो जिसको हम बोलेंगे छोटी सी टीम है, इसको हम और ज़्यादा विस्तार करेंगे। और आगे वाले समय में आप देखेंगे कि कैसे हमारे लोग यहाँ पे सक्रिय होंगे। एक विषय ये था। दूसरा विषय ये था कि देखिए हमारा जो मूल जिसको उद्देश्य है वो है समाज सेवा करने का, जिसको हम बोलते हैं कि सोसाइटी की वेलबींग के लिए हमारे को कदम उठाने के लिए, जो चाहे ब्लड डोनेशन हो, चाहे लोगों की सहायता करनी हो, तो ऐसे लोग इन विषयों को लेकर भी हमने चर्चा करी है। और उसको भी हमने अलग से ग्रुप बनाया है कि यहाँ पे लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए, जैसे जो जरूरतमंद है उनको हम कैसे सहायता कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ों को लेकर चर्चा हुई। और ये बैठकों का क्रम है, ये पहला क्रम था। अब आप देखेंगे आस्ते आस्ते हम इन क्रमों को बढ़ाते रहेंगे। और जो हमारे यहाँ पे लोग हैं, चाहे उनकी कोई दिक्कतें हों, चाहे उनके कोई इश्यूज हो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, हम उसको जोर शोर से एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उठाएंगे। आपको बता दें कि जुब्बल कोटखाई में उपचुनाव में बीजेपी से टिकट न मिलने पर चेतन बरागटा ने आजाद चुनाव लड़ा था और कांग्रेस से, हालांकि वो चुनाव हार गए, लेकिन उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार की जमानत जब्त करा दी थी। वहीं अब जुब्बल कोटखाई के बाद शिमला शहर में चेतन बरागटा बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। शहर में चेतन बरागटा के काफी समर्थक रहते हैं, ऐसे में उम्मीदवार उतारने से नगर निगम चुनाव मुश्किलें बढ़ सकती हैं। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट।